हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। आज की इस नई वीडियो में आपको एक बहुत ही अच्छा मतलब घर का टूर कराने वाले हैं। तो थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा 50 लाख हाउस टूर। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरा किस तरह से है। तो यहाँ पर अभी आप देख लीजिए कि जो पूरा बंगला है कुछ इस तरह से है। अभी थोड़ा काम हमारा बचा हुआ, बाकी हमारा जो टाइल फिटिंग का काम था वो पूरा हो चुका है। तो चलिए हम आपको पूरा दिखा देते हैं कि किस तरह से है किस तरह से नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे फटाफट 2-3 मिनट के अंदर आपको पूरा टूर करा देते हैं कि किस तरह से है किस तरह से नहीं। तो यहाँ पर स्टेयर केस है जो कि हमने वीडियो बनाया था किस तरह से। तो अभी यहाँ पर कलर का काम चालू, इस तरह से थोड़ा बहुत गंदा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर अभी हॉल है क्योंकि हॉल की एंट्री यहीं से होती है। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो बाहर पोर्च है जिसको यहाँ पर अभी पत्रे का शेड मारा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आता है हॉल जो कि है लिविंग रूम। तो इसके अंदर पीओपी का काम भी किया गया है और आपको दिखाते हैं क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं। तो यहाँ पर ऊपर देख लीजिए आप, फाल सीलिंग लगाया गया है कुछ इस तरह से। फाल सीलिंग का डिजाइन भी देख सकते हो इस तरह से। अभी कलर हुआ नहीं, कलर होने के बाद क्या लुक आएगा, ए सी रिवास होने के बाद क्या लुक आएगा, एक अलग से वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो 2 फीट बाई 2 फीट की जो टाइल्स है फ्लोरिंग की वो बिठाई गई है, मतलब बिना कोई स्पेसर के पूरी टाइल्स जो है वो बिठाई गई है। उसके बाद में यहाँ पर स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस भी देख सकते हो 2 फीट बाई 4 फीट की टाइल्स के अंदर राइजर बिठाया गया। उसके बाद में स्टील ग्रे ग्रेनाइट का टप्पा बिठाया गया है कुछ इस तरह से। उसके बाद में यहाँ पर जो हॉल के अंदर एक डोर आता है वो डोर को भी देख सकते हो फोटो फ्रेम बनाया गया है। अभी गंदा है, साफ होने के बाद काफी अच्छा लुक आएगा, फिर भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर इस तरह से देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर किचन है जो कि ये, इस किचन का पूरा वीडियो हमने अपलोड कर दिया, आप जाके देख सकते हो। तो ये देख सकते हो इस तरह से पूरा किचन जो है कुछ इस तरह से बना हुआ है। अभी कलर का काम चालू है तो सभी जो नीचे का सामान है अभी इधर उधर रखा हुआ है। बाकी यहाँ पर कपबोर्ड है, कपबोर्ड भी देख सकते हो कुछ इस तरह से। उसके बाद में यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर साइड में एक है टॉयलेट, एक है बाथरूम। तो यहाँ पर देख सकते हो इधर भी एक सिंगल पट्टी का फ्रेम बनाया गया है। उसके बाद में यहाँ पर है टॉयलेट जिसके अंदर 3 फीट तक वॉल टाइल्स बिठाई गई है, वो भी बीच में 3 mm का स्पेस दे दिया गया है। और अगर आप सीट देखना चाहते हो तो यहाँ पर देख लीजिए, सीट जो अभी अंदर से चौकोन है, नया मॉडल आया है बेल कंपनी का जो कि देख सकते हो इस तरह से। उसके बाद में यहाँ पर है अपना बाथरूम। तो बाथरूम आप देख लीजिए, अभी गंदा है फिर भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से है। बाथरूम आप देख लीजिए, 2 कलर कॉम्बिनेशन है, एक देख सकते हो यहाँ पर 2 फीट बाई 4 फीट का आइवोरी कलर है, एक दूसरा वाला ब्लैक कलर है जो कि कुछ इस तरह से भी देख सकते हो पट्टे पट्टे कटिंग करके बिठाए गए हैं ऊपर से नीचे तक। इसका अलग से एक वीडियो में अपलोड होगा, आप देख लेना, अभी क्लीन नहीं हुआ, क्लीन होने के बाद आएगा। तो इस तरह से बाथरूम था। उसके बाद में हम चलते हैं दूसरे वाले फ्लोर पे, ऊपर क्या है क्या नहीं आपको दिखाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो लैंडिंग है वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बॉर्डर टाइप का बिठाया गया है। उसके बाद में हम आ गए ऊपर, और ऊपर आने के बाद यहाँ पर भी 2x2 की टाइल जो है डबल चार जो बिठाई हुई मिलेगी आपको। उसके बाद में यहाँ पर है एक ब्रह्म स्थान है जो कि देख सकते हो इस तरह से हॉल से ऊपर आया है। उसके बाद में यहाँ से भी ऊपर गया है, और यहाँ से भी ऊपर जाने के बाद वहां पर भी ऊपर है, उसके ऊपर भी एक किया गया है। तो इस तरह से ब्रह्म स्थान बनाया गया है। और यहाँ पर जो बेडरूम है उसके अंदर 2 फीट बाई 2 फीट की डबल चार टाइल है वो बिठाई गई है, और यहाँ पर 2 खिड़की है। उसके बाद में बेडरूम के अंदर भी मैंने एक कबोर्ड बनाया है जो कि देख सकते हो इस तरह से। आपको दिखा देता हूँ, आप एक आइडिया ले लेना अगर आप नया घर बनाना चाहते हो या बनवाने वाले हो कभी, और अगर आप बना भी चुके हो फिर भी आप देख लीजिए, कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर भी देखिए आप, एक बेडरूम है, ये हॉल है, यहाँ पर भी एक बेडरूम है। इस बेडरूम के अंदर भी ग्रेनाइट का जो है वो कपबोर्ड बनाया गया है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कपबोर्ड बनाया गया है। उसके बाद में यहाँ पर एक फ्रेंच डोर है। उसके बाद में यहाँ पर है बालकनी जो कि देख सकते हो फेब्रिकेशन का रेलिंग लगा हुआ है, और नीचे एंटीस की टाइल बिठी हुई है। तो चलिए अभी चलते हैं फटाफट से बाहर और आपको दिखाते हैं ऊपर का भी बाथरूम किस तरह से बनाया गया। यहाँ पर भी एक देख सकते हो बालकनी है, और बालकनी नहीं काफी अच्छा खासा पोर्च बोल सकते हो आप, जो कि वेंटिलेशन के हिसाब से काफी अच्छा है। बाहर का लुक आप देख लीजिए कुछ इस तरह से आता है। तो आप भी अगर घर बनाते हो तो इस तरह से बालकनी वगैरह छोड़ के बनाते हो तो काफी अच्छा रहता है। और ऊपर की सीलिंग की बात करते हैं यहाँ पर, तो इस तरह से भी बनाया गया है, कलरिंग का काम नहीं हुआ है लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। उसके बाद में ऊपर 2 बाथरूम है, एक इंडियन बाथरूम है और दूसरा जो है वो देख सकते हो मास्टर बाथरूम है। तो इस तरह से यहाँ पर कमोड का पॉइंट छोड़ा गया है, और सामने की दीवार को भी देख सकते हो पूरा डार्क किया गया है, और यहाँ पर जो शावर का दीवार है उसको भी पूरा डार्क किया गया है। बाकी देख सकते हो सभी का सभी जो है वो मैट टाइल्स बिठाई गई है इस तरह से, अभी हमने बिठाया इसको पूरा का पूरा मैट टाइल्स। और फ्लोर की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो 3 पार्ट में फ्लोर बिठाया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, इसका पानी जो है वहां पर ट्रेप में जाएगा, ये नीचे है मतलब डाउन है, उसके ऊपर यहाँ पर
पौना इंच ऊपर है, उधर जो कमोड का एरिया पौना इंच ऊपर है, यहाँ पर जब फ्रेम का एरिया चालू होता है ये फिर पौना इंच ऊपर है। तो इस तरह से आप एक आइडिया ले सकते हो बाथरूम का। उसके बाद यहाँ पर जो इंडियन बाथरूम है वो देख सकते हो, मैंने नीचे आपको बताया था कि जो भांडा है बाथरूम का वो देख सकते हो। इस तरह से चौकोन नया वाला आया है बेल कंपनी का, तो इस तरह से आप एक आइडिया ले सकते हो अगर लगवाने वाले हो तो। और यहाँ पर अभी देख सकते हो ग्रे कलर और व्हाइट कलर दो कलर कॉम्बिनेशन के अंदर ये पूरा बाथरूम का टाइल लगाया गया है, जो कि देख सकते हो पट्टे पट्टे कटिंग करके लगाए, मतलब नीचे आप देखोगे तो 2 फीट का पट्टा मिलेगा, उसके ऊपर 1 फीट का पट्टा मिलेगा, उसके ऊपर 4-4 इंच के 3 पट्टे मिलेंगे, फिर 1 फीट का पट्टा, फिर 4-4 इंच के 3 पट्टे, कुछ इस तरह से पट्टे पट्टे कटिंग करके अगर आप बाथरूम बनाते हो तो कुछ इस तरह से लुक आता है। लेकिन अगर आप इस तरह से कटिंग करके लगाते हो तो उसका जो लगाने का खर्चा है थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि जो पट्टे कटिंग होते हैं उसकी कटिंग के अलग से चार्ज लगते हैं। तो चलिए यहाँ पर बाथरूम हो चुका है अभी, बाकी जितने भी डोर है अभी घर के सभी देख सकते हो ग्रेनाइट के अंदर ही बनाए गए, जो कि देख सकते हो सभी जो डोर है वो ग्रेनाइट के अंदर ही बनाए गए हैं। उसके बाद में अगर यहाँ से ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर स्टेयरकेस और उसके बाद में यहाँ पर एक खिड़की, और अगर ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो जो लैंडिंग है वो कुछ इस तरह से अभी 2 फीट बाय 2 फीट की टाइल के अंदर और ग्रेनाइट के अंदर कुछ इस तरह से बनाए गए। उसके बाद में हम आ चुके हैं एकदम ऊपर, तो यहाँ पर भी देख सकते हो ब्रह्मस्थान कुछ इस तरह से छोड़ा गया है नीचे तक देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर फिर से हम आ चुके हैं तो बेडरूम के अंदर, यहाँ पर भी बेडरूम के अंदर 3 खिड़कियां छोड़ी गई, मतलब आप जितना भी ज्यादा खिड़की छोड़ोगे उतना ज्यादा आपको फायदा रहेगा, क्योंकि अभी देख सकते हो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और तीनों बाजू से हवा आ रही है, मतलब रियल आपको बता रहे हैं खुद का एक्सपीरियंस, मतलब यहाँ पर खड़ा हूँ और देख सकते हो यहाँ पर जो पीछे नारियल के पेड़ वगैरह है काफी ज्यादा हवा आ रही है, यहाँ से भी आ रही है यहाँ से भी, मतलब काफी ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप ज्यादा खिड़की छोड़ते हो तो। तो चलिए दोस्तों हमने करा दिया इस घर का पूरा टूर, अभी एसी डिवास होने के बाद किस तरह से पूरा लुक आता है फाइनल वाला वो भी हम आपको दिखाएंगे बाद में। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इतना वीडियो देखने के लिए।